ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। अक्षय नवमी व्रत को अनंत फल देने वाला माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया था। अक्षय नवमी व्रत को संतान, सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। अक्षय नवमी का ये व्रत विधि विधान से करने पर बड़े से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा, जिससे कि प्रभु हरि की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इस व्रत को करने से किसी भी व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता है। इस दिन गोमाता, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान करने से बड़ा पाप भी समाप्त हो जाता है। आइए जान लेते हैं कि कब है आंवला नवमी और किस प्रकार से आंवला नवमी की पूजा करें। इस बार अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी 21 नवंबर मंगलवार को होगी। इस दिन प्रातःकाल जागने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करके पेड़ की जड़ में दूध की धारा गिराकर तने में चारों तरफ सूत लपेटना चाहिए। इसके बाद कपूर या घी की बाती से आरती करके 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए। आंवला नवमी के पूजन में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशा, आंवला और दीपक घर से लेकर ही जाना चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि दान देकर स्वयं भोजन करना चाहिए। एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन भोजन में आंवला अवश्य ही होना चाहिए और इस दिन आंवले के दान का विशेष महत्व होता है। आइए दोस्तों, अब सुन लेते हैं आंवला नवमी की कथा। किसी समय में एक साहूकार था। वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता था और सोने का दान करता था। उसके लड़कों को यह सब करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह धन लुटा रहा है। तंग आकर साहूकार दूसरे गांव में जाकर एक दुकान करने लगा। दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया और उसे सींचकर बड़ा करने लगा। उसकी दुकान खूब चलने लगी और बेटों का कारोबार बंद होने की स्थिति में पहुंच गया। वह सब भागकर अपने पिता के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी, तो पिता ने उन्हें क्षमा कर आंवले के वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से उनका काम धंधा पहले की तरह ही चलने लगा। आइए अब जान लेते हैं अक्षय नवमी की पूजा का उपाय। अक्षय नवमी की पूजा का पुण्य फल और भगवान श्री विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए अक्षय नवमी की शाम को आंवले के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दिया जरूर जलाएं। दिए में बाती के लिए रुई की जगह लाल रंग के कलावे का प्रयोग करें, क्योंकि लाल रंग के कलावे का प्रयोग करने से आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। तो आप रुई की बाती की जगह कलावे का इस्तेमाल करें। आप सभी को अक्षय नवमी की शुभकामनाएं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा, जिससे कि भगवान श्री हरि की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।